हर साल की तरह पोको F सीरीज का वापस आ गया है पोको F6 के फॉर्म में, और इसको मैंने 2 महीने से ज़्यादा ही यूज़ कर लिया ताकि मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सकूं, जैसे कि इसका बैटरी कैसी है, हीटिंग होती है नहीं, क्या ये अभी भी गेमिंग फ़ोन है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या इसमें मदरबोर्ड इशू आएगा या नहीं, यही सब क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं। चलिए पता लगाते हैं। मेरा नाम अभिजीत सिंह, आप देख रहे हैं टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। और इस फोन को 2 महीने यूज करने के बाद इसका मैंने गुड बैड और ओके सब निकाला है, तो इसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम इसके गुड से। गुड में हम स्टार्ट करेंगे इसके डिस्प्ले से, जो कि मिलेगा 6.67 इंचेस का 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें आपको डॉल्बी विजन, HDR, साथ साथ में आपको DCI-P3 का 100% सपोर्ट, मतलब एक बहुत ही हाई क्वालिटी डिस्प्ले देखने को मिलता है। बट क्या ये अच्छा भी है? मतलब नंबर्स तो मैंने फेंक दिया आपके ऊपर उठा के, बट एक्चुअली में कैसा है? तो अगर आप यूट्यूब वगैरह देख रहे हो तो इसमें आपको फुल आपको 4K सपोर्ट मिलेगा, कोई लैग नहीं, कुछ नहीं, HDR तक का सपोर्ट मिलेगा, और साथ साथ में आपको वाइड बैंड L1 का सपोर्ट भी मिलेगा। प्लस अगर आप नेटफ्लिक्स या आपके पास प्राइम का वो बड़ा वाला सब्सक्रिप्शन है ना, महंगा वाला, आपको डॉल्बी विजन और HDR भी देखने को मिलेगा। तो एक पावर पैक्ड फोन है। अगर आप एक बिंज वॉचर हो या आपके पास फोन ही है खाली सीरीज वगैरह देखने के लिए, तो आप इसको पूरी तरह से इसका यूज कर सकते हो एंजॉय करने में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर अपने फोन को आप एक नया लुक देना चाहते हो, तो ये कंपनी जो है ना कैजी शील्ड्स बहुत काम आने वाली है। इनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया ताकि आप तक मैं ला सकूं ये ऑसम स्किन्स। फिलहाल मैं ये नॉट 4 के लिए लगा रहा हूँ वन प्लस के, और ये आप देख सकते हैं काफी एक हाई क्वालिटी स्किन्स है यहाँ पे। और ये सिर्फ फोन्स के लिए नहीं है, ये आपको देखने को मिल जाएगी ईयरफोन्स, लैपटॉप, यहाँ तक कि आपको ये टैबलेट्स के लिए भी मिल जाएगी। और सिर्फ स्किन्स ही क्यों, आपको यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्टर, आपको टेम्पर ग्लास, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर अपने फोन को एक नया लुक देना चाहते हैं, या अपने पुराने फोन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या पुराने फोन को नया लुक क्यों ना देना चाहते हैं, तो ट्राई कीजिए गैजेट शील्ड्स को, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज ही जाइए, अपने फोन को प्रोटेक्ट कीजिए, एक नया लुक दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सिर्फ इंडोर्स नहीं, आप आउटडोर्स भी इंजॉय कर सकते हो इसको, क्योंकि आउटडोर्स में इसकी 2400 की पीक ब्राइटनेस है। लेकिन लेकिन रियलिस्टिक होते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे जो आपको 1000 से 1200 के बीच में हाई ब्राइटनेस मोड देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है इसको ब्राइटेस्ट में नहीं कह सकता, लेकिन सेगमेंट के हिसाब से ओके है, अबव एवरेज है, और आपको कुछ ऐसे मतलब घुसना नहीं पड़ेगा फोन के अंदर, तो ये आपकी एक अच्छी चीज़ रहेगी इसके अंदर। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक ये यूजेबल है, और साथ में इसकी यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है ग्लास की, वो भी आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टिस देखने को मिलती है, तो काफ़ी ड्यूरेबल आपको देखने को मिलेगा। हालांकि स्क्रीन गार्ड लगा लेना, फिर भी कोई चांस नहीं लेने का। इवन जो बेजल्स हैं वो भी काफी यूनिफॉर्म है, थोड़ी सी बड़ी चेन है, तो जिसको OCD है वो थोड़ा सा ट्रिगर होगा, लेकिन एज सच मुझे काफी अच्छी स्क्रीन लगी, बेजल्स छोटे वगैरह ही लगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कलर एक्यूरेट वगैरह तो है। इवन 12-bit डिस्प्ले के साथ भी आती है ये, जो कि आई थिंक थोड़ा सॉफ्टवेयर का मैजिक है, मेनली ये 10-bit डिस्प्ले होगी, इसको सॉफ्टवेयर से 12-bit किया होगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक बिंज वॉचर, आप यूट्यूब या फिर नेटफ्लिक्स प्राइम, जो भी आप मतलब फोन पे ज्यादा देखते हैं, तो ये आपके लिए काफी अच्छा फोन रहेगा। डिस्प्ले के मामले में इजीली इसको मैं 9 out of 10 दूंगा। सेकंड अच्छी चीज, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए, परफॉर्मेंस, क्योंकि यहां पे आपको स्नैपड्रैगन 8S जेन 3 देखने को मिलता है। और यस, डे टू डे लाइफ एटलीस्ट कोई इश्यूज नहीं था, मैं हैवी वीडियो एडिटिंग भी कर चुका हूँ, मैं बेसिक सोशल मीडिया भी चला सकूँ, स्क्रोलिंग डे टू डे, या फिर आपका कुछ भी मतलब आप कैमरा वगैरह ओपन कर रहे हो, आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के लेवल का नहीं है, लेकिन हाँ, ये इतना पावरफुल है कि आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि आप एक मिड रेंज चिप चला रहे हो। और क्योंकि 30,000 के अंडर है ना, मैं काफी सरप्राइज हुआ परफॉर्मेंस देख के, और मुझे हमेशा से पोको की F-सीरीज या X-सीरीज उनके परफॉर्मेंस के लिए ही पसंद आई है। इवन गेमिंग के लिए भी मैंने इसका वैसे डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू बनाया, यहीं कहीं आ रहा होगा ऊपर कार्ड, आप इस वीडियो के बाद देख लेना। लेकिन वो भी जब मैंने की थी गेमिंग, टॉप क्लास गेमिंग, अगर आप 30,000 के नीचे गेमिंग फोन ढूंढ रहे हो ना, और कुछ आपको मैटर नहीं करता, आपको गेमिंग करनी है, ये ले लो। हाँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम है बैटरी में, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, छोटी नहीं वैसे, काफी बड़ी है, बट एनीवे जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी है। आपको यहाँ पे LPDDR5X रैम देखने को मिलती है, साथ में आपको UFS 4.0 स्टोरेज देखने को मिलती है, तो इन्होंने हार्डवेयर स्पेक्स और परफॉर्मेंस में आपको कोई यहाँ पे कमी नहीं छोड़ी है, आप फुल ऑन इसको एंजॉय कर सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा, डे टू डेटा, चाहे आप क्लास ले रहे हो, सोशल मीडिया चला रहे हो, या आप बेसिक वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हो, आपको कोई इशू नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, एक चीज आप ध्यान रख लेना, यहाँ पे इसकी हीटिंग थोड़ी बहुत अभी भी है, जैसे कि अगर मैंने इसको 30 मिनट से ज्यादा कॉन्स्टेंटली गेमिंग की, या इवन कुछ वीडियो एडिटिंग, या इवन अगर आप आउटडोर यूज कर रहे हो गर्मी में,
ये हीट होगा और अच्छा खासा हीट होगा, ये नहीं कि छोटा मोटा हीट होगा, अच्छा खासा हीट होगा। इससे थ्रॉटलिंग उतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी, वो चीज आप टेंशन मत लो उस चीज की, लेकिन हीट डेफिनेटली होता है। परफॉर्मेंस के मामले में एटलीस्ट मैं इसको टॉप नॉच मार्क्स दूंगा, 9.5 out of 10। अब थोड़ी ओके चीजों की तरफ आते हैं और यहां मैं स्टार्ट करना चाहूंगा इसके बिल्ड से, जो कि अनफॉर्चुनेटली यहां पे फुल प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलती है, और यही रीजन था मैंने इसको ओके कैटेगरी में रखा। अगर ये थोड़ा सा मतलब अच्छा होता, थोड़ा ग्लास बैक ही देते, चाहे प्लास्टिक साइड्स देते, इसको मैं गुड कैटेगरी में रखता, बट यहाँ पे आपको प्लास्टिक ऑल बिल्ड देखने को मिल रहा है। डिजाइन भी काफी प्लेन है, कुछ ऐसे आउटस्टैंडिंग नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है, तो ये भी एक और फैक्टर है जहां पे मैं इसको ओके कैटेगरी में रख रहा हूँ। तो आपको ये अगर डिजाइन के लिए चाहिए, अच्छी बिल्ड के लिए चाहिए, ये आपको थोड़ा खल सकता है, लेकिन हाँ ऑफकोर्स हर किसी की वो यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, तो ऑफकोर्स आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको क्या पसंद है। उसके अलावा आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ काफी क्लिकेटी बटन, जो कि डिसेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ही प्रीमियम है, अपने प्राइस के हिसाब से थोड़े और प्रीमियम हो सकते थे, लेकिन एक अच्छी आवाज आती है। इसमें ना कोई कैमरा आइलैंड भी देखने को नहीं मिलता है, और जो कैमरा बम्प है वो भी काफ़ी छोटा, वेल छोटा तो नहीं कह सकते बट एक मीडियम साइज का है, और इसका प्रॉब्लम अगेन कैमराज में आपको देखने को मिलेगा, जो आई थिंक आपने एक्सपेक्ट किया होगा, लेकिन वो कैमरा के टाइम पे बात करेंगे। और जो ओवरऑल इसका इन हैंड फील है, क्योंकि कर्व भी हल्का सा पीछे से, तो काफ़ी अच्छा इन हैंड फील आता है, लेकिन हाँ क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा प्लास्टिक है, तो उतना प्रीमियम भी नहीं फील होता, तो यहाँ पे भी थोड़े से इसके मार्क्स कम हो जाते हैं। बाकी आपकी स्क्रीन पे इसके बाकी कलर ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, आप अपने हिसाब से डिजाइन चूज कर सकते हो, लेकिन यहां पे मैं इसको 8 out of 10 देना चाहूंगा बिल्ड के मामले में। काश इन्होंने ग्लास बैक दिया होता, बट आपका क्या ख्याल है, आपको ग्लास बैक पसंद है या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। और हाँ, अगर आप यहां पे नीचे जा ही रहे हो और कमेंट करें या नहीं भी जा रहे हो, और आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और ऐसा और कंटेंट चाहिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको लॉन्ग टर्म रिव्यूज देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं इसके सेकंड ओके चीज पे। सेकेंड ओके मैं कहूँगा इसके सॉफ्टवेयर को, और ये एक सॉर्ट ऑफ इसका प्रमोशन ही है, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते आ रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, तो मैं बता देता हूँ, मुझे मी हुआ इतना कुछ खास पसंद नहीं है, मुझे वो कार्टूनिश लगता है, थोड़ा हैवी लगता है, ब्लोटवेयर्स बहुत हैं, तो इसलिए मैं इसको हमेशा बैड कैटेगरी में रखता था। लेकिन इस केस में क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इतना अच्छा यहाँ कंपेटिबिलिटी बनी है ना, कि आपको वो उतना ज़्यादा फील नहीं होता, जो हैवीनेस है ना वो इतना ज़्यादा फील नहीं होता। ओवरऑल मुझे काफ़ी स्मूथ लगा सॉफ्टवेयर, हाँ ब्लॉटवेयर अभी भी हैं, एड्स अभी भी हैं, और कार्टूनिश अभी भी फील होता है, लेकिन काफ़ी लोगों को पसंद आता है, और ये फीचर रिच है, आपको एक से बढ़कर एक फीचर आपको देखने को मिलता है। तो हाइपर ओएस डेफिनेटली इंप्रूव हो रहा है, लेकिन अभी भी वो MIUI की छत्र छाया से बाहर नहीं निकला है, और अभी भी थोड़ा सा हैवी है देखने में। और ये बेस्ड है एंड्रॉयड 14 पे, जो हाइपर ओएस है इनका, तो इस पे अपडेट्स रेगुलर आती रहती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ऐसे रेगुलर है, हर क्वार्टरली एक अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी, और बग्स भी ओके ओके ही आपको, मतलब कुछ एक आध जगह बग्स मिल जाएंगे, जैसे कभी कभी स्क्रीन अटक जाती है, या फिर जब आप यूट्यूब को पिक्चर पे करते हो तो वहाँ पे थोड़ा अजीब सा यूट्यूब बिहेव करने लगता है, तो ये थोड़े बहुत बग्स हैं, लेकिन किसी भी हालत में ये वो MIUI वाला हाल नहीं है जो एक टाइम पे था। अगर आप MIUI के फैन हैं, आपको शायद ये और पसंद है, लेकिन अगर आप MIUI के फैन नहीं हो तो इसको ट्राई कर लो, क्या बताओ आपको पसंद है। मुझे अभी तक पसंद तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है, इसको मैं 8.5 out of 10 देने जाऊंगा। थर्ड अच्छी चीज़ एक्स्ट्रास हैं, क्योंकि एक इसमें हेडफोन जैक नहीं है, जो कि मुझे बहुत अनफॉर्चुनेट लगा, और दूसरा इसमें USB 2 अभी भी दिया हुआ, टाइप सी पोर्ट जो है USB 2 है। सीरियसली, आप परफॉर्मेंस फोन दे रहे हो USB 2। एनीवे, आपको यहाँ पे ड्यूअल सिम देखने को मिल जाता है, लेकिन मेमोरी कार्ड नहीं दिया, तो आप एक्सपैंड नहीं कर सकते स्टोरेज को। हालांकि 5G सारे बैंड सपोर्टेड है, वहाँ पे आपको कोई इशू नहीं होने वाला, 5G आप टेंशन फ्री होकर यूज करो। साथ में आपको ड्यूअल स्पीकर भी देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन काफ़ी लाउड है, काफ़ी क्लियर है, लेकिन हल्का सा एक बेस यहाँ पे मिसिंग लगा मुझे। ये लीजिए एक सैंपल। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो है ही है, IR ब्लास्टर तक दिया हुआ है आपको यहाँ पे, जो कि अगेन काफी काम आता है, AC वेसी बंद करना हो, या ये मेरी लाइट्स ही है ना, इनको भी मैं बंद कर सकता। Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.4 दिया गया, जो कि अगेन काफी अच्छा इस सेगमेंट के हिसाब से। एक अच्छी वाइब्रेशन मोटर दी गई है, जो कि काफी क्रिस्प एकदम से आवाज और जो फील देती है, तो एक UI का भी जो एलिमेंट है काफी यहाँ पे रिफाइन हो। और सोने पे सुहागा, आपको IP64 रेटिंग देखने को मिल जाती है। अगर इसमें हेडफोन जैक होता या इवन ये USB 3 भी दे देते, या थोड़ा ड्यूल स्पीकर अच्छा देते, या मेमोरी कार्ड एक्सपेंशन दे देते, तो शायद ये गुड कैटेगरी में जाता। इनमें से कोई एक आध चीज भी दे देते ना, शायद मैं इसको गुड कैटेगरी में रखता, बट फिलहाल ओके कैटेगरी में इसको 8.5 out of 10 दूंगा।
फाइनली चलते हैं यहाँ पे बैड कैटेगरी में, और आपको तो पता ही है पहली बैड कैटेगरी जो ऑब्वियस है, कैमरास। आप इसके मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हो, यहाँ ऊपर कार्ड आ रहा होगा, इस वीडियो के बाद देख लेना। ऑफ कोर्स आपको सारी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन मत लो। बट यहाँ पे कैमरास अगेन कुछ मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है, मैंने इसको फुल कंपैरिजन किया हुआ है, उसमें भी आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही एवरेज कैमरा, एवरेज से भी नीचे कहूंगा। लेकिन हाँ, इसमें जी कैप आप इंस्टॉल कर सकते हो, जिसके अगेन कार्ड लिंक, अगर कार्ड्स खत्म हो गए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना। जी कैम इंस्टॉल करते हो उससे काफी हद तक इंप्रूवमेंट आ जाता है, लेकिन अब ऑफ कोर्स वो भी कितना ही बचाएगा ना इसको। तो अगर आप एक कैमरा के लिए फोन ले रहे हो तो आई थिंक आपको पता है ये कैमरा फोन नहीं, आप दूर रह सकते हो। अगर आपको एक हाँ फंक्शनल कैमरा चाहिए जो आपका ओकेजनल मेमोरी लेने में काम आ जाए, या आपको यहाँ पे नोट्स वगैरह की फोटोज खींचने, या ओकेजनल सेल्फीज लेनी हो, हाँ काम चल जाएगा, लेकिन कुछ जादू यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करना। बाकी फुल रिव्यू आपको यहाँ वीडियोस में देखने को मिल जाएगा, कार्ड और डिस्क्रिप्शन में। अब चलते सेकंड बुरी चीज की तरफ, एंड सेकंड बुरी चीज ऑफ कोर्स बैटरी, जो कि अभी तक फिक्स नहीं हुई है। लास्ट पोको F5 पे भी मैंने सेम चीज़ कही थी कि मुझे बैटरी एंग्जाइटी हो गई थी, पोको X सीरीज में भी मैंने यही कहा था, वहाँ पे भी एंग्जाइटी थी, और इसमें भी एंग्जाइटी देखने को मिलती है। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी तो देखने को मिल जाती है, लेकिन फॉर सम रीज़न वो लास्ट ही नहीं करती है। शायद प्रोसेसर इतना पावरफुल है, या फिर ये कुछ अच्छे से इन्होंने ऑप्टिमाइज नहीं किया, आई डोंट नो। बट आपका फुल डे नहीं करेगी, अराउंड 7 बजे के आसपास अगर आप हैवी यूज़ कर रहे हो, और अगर आप थोड़ा मीडियम यूज़ कर रहे हो तो रात को सोने से पहले आपको चार्ज करना पड़ेगा। हालांकि आपको 90 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है बॉक्स के अंदर, जो कि काफी जल्दी चार्ज करता है, अराउंड 40 मिनट्स के अंदर चार्ज कर देता है। लेकिन थोड़ा सा मतलब एक टेंशन रहती है ना दिमाग में, अगर मेरे पास सेकेंडरी फोन नहीं होता ना, मैं इस फोन को कभी चूज नहीं करता। मुझे बैटरी लाइफ बहुत पसंद है और मैं बैटरी को थोड़ा हाई रिगार्ड में लेता हूं, जो कि इसमें नहीं है। ऑफकोर्स इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग किसी भी एंगल से देखने को नहीं मिलेगी, तो ऑफकोर्स वो आपको इस सेगमेंट में शायद ही देखने को मिले। लेकिन हाँ, जो इसका 90 वॉट चार्जर वो PD सपोर्ट करता है, तो आप नॉर्मल किसी भी PD चार्जर से कर सकते हो। लेकिन स्टिल ये अभी भी उस लेवल पे नहीं आ रहा है जहाँ पे मैं इसको कहूँगा ये अच्छी बैटरी है, बिल्कुल ही मतलब ख़राब बैटरी। और आराम से मैं इसको 7 out of 10 दूंगा बैटरी के मामले में। और बैटरी आप अगर बैटरी के लिए लेना चाहते हो, आप आउटडोर यूज़ करते हो, मत लेना इसको। फाइनली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। एक, आपको ये बैटरी के लिए नहीं चाहिए, दूसरा आपको कैमरा के लिए नहीं चाहिए, और तीसरा आपको शो ऑफ नहीं करना है इसका यूनिक डिज़ाइन, क्योंकि तीनों चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली। लेकिन अगर आप एक गेमर हो, आपको बेस्ट परफॉर्मिंग फ़ोन चाहिए जो कि under 30K हो, आपको MIUI से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक अच्छे डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए क्योंकि आप थोड़े बहुत यहाँ पे HDR वगैरह नेटफ्लिक्स पे देखना चाहते हो, तो वेल आपके लिए ये परफेक्ट फ़ोन है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा इशू है अभी तक का, मदरबोर्ड इशू, उसके बारे में क्या? अब अनफॉर्चुनेटली मैं एज सच तो कोई भविष्य प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि अभी तक पोको F5 में ऐसा कोई इशू नहीं आया, पोको X6 में इतना कोई इशू नहीं है, और अगर आया भी है बहुत कम यूनिट्स पे, और वो एक नॉर्मल चीज़ है। ऐसे वाइड स्प्रेड इशू जो कि आपको पुराने X4 सीरीज के साथ मिला था, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने जितना ट्विटर पे सर्च किया, मैंने जितना ऑनलाइन देखा, एज सच कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। इससे ज़्यादा तो ग्रीन लाइन इशू या मदरबोर्ड इशू 1+10 के चल रहे हैं, जो कि आपको अभी देखने को मिलेंगे। बट इसके साथ मैं ये भी कहूँगा, मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगेन मैं भविष्य नहीं जान सकता। तो अगर आप ले रहे हो, अगर आपको अभी कुछ डाउट है ना कि हाँ मदरबोर्ड यहाँ पे प्रॉब्लम देगा, और आप नहीं रख सकते फ़ोन को सर्विस सेंटर में कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, या जो भी आपका वैसा हिसाब है, तो आप फिर कहीं और देख लो। बट अगर आपके पास सर्विस सेंटर पास है, आप थोड़ी देर के लिए फोन इधर उधर रख सकते हो, और आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि मोस्टली तो नहीं आएगा इसमें, लेकिन फिर भी अगर आपको टेंशन नहीं है तो ही आप लो इसको। अगर आपको 10% भी डाउट है कि इसमें मदरबोर्ड इशू आने का टेंशन आपको है, तो फिर मत। बाकी अगर आपको पता ही, आपने गेमिंग रिव्यू देखना है यहाँ पे आपको यहाँ पे कैमरा कंपैरिजन देखने को मिलेगा, नीचे लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख लो। और अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, कमेंट कर लो। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और ऐसी वीडियोस और देखनी है, लॉन्ग टर्म रिव्यूज और देखने हैं, सब्सक्राइब कर लो, आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। फिलहाल के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।